तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। ये बेसिकली क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द एरिया ऑफ ट्रायंगल दो वेक्टर दिया हुआ है। हम सबको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, दो वेक्टर अगर दिए हुए हाफ, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड ले लोगे तो एरिया यहाँ से मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर वेक्टर ए है, एक बार फार्मूला बता देता हूँ, ये A1i कैप है और प्लस A2j कैप है और प्लस ये A3k कैप है, और दूसरा वेक्टर बी है और मैं बी को लिखता हूँ B1i कैप प्लस B2j कैप प्लस B3k कैप। तो यहाँ से तुम देखोगे, अगर ए क्रॉस बी अगर तुम निकालोगे यहाँ से, तो सबसे पहले यहाँ आई रखो, फिर जे रखो, फिर के रखो। तो अगर तुम देखोगे यहाँ आई और जे के, तो सबसे पहले A1 की वैल्यू रखो, तो A1, A2, A3, उसके बाद B का रखो, B1, B2 और यहाँ से B3। उसके बाद यहाँ आई वाला कॉपी भी कर दिया करो, A1 और B1, यहाँ से A1 और B1 यहाँ से कॉपी कर दिया करो। उसके बाद तीन बड़े ब्रैकेट बना दो, एक बड़े ब्रैकेट में I1 लिखो, I लिखो, फिर बड़े ब्रैकेट में J लिखो, फिर बड़े ब्रैकेट में यहाँ से K लिखो। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ से देखोगे IJK, यहाँ से तुम बेसिकली कर लिखोगे, तो सबसे पहले I का लिख रहे हो, तो ये I का रो और कॉलम भूल जाओ, ये वाला रो और ये वाला कॉलम तुम फॉरगेट भूल जाओ। तो जो बचा है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे। तो अगर मैं ये वाला रो और कॉलम भूल गया, तो जो बचा है मैं उसको देखो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक बार आपको सिखा दे रहा हूँ। तो ये यहाँ से इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो A2B2, A2B3 माइनस B2A3 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और J का रखेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, ये वाला इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब A3B1 माइनस B3A1। ठीक है, K का लिखेंगे तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब A1B2 माइनस यहाँ से B1A2। ठीक है ना, तो ये एक नया वेक्टर जनरेट हो गया। अब इसी को हमें इम्प्लीमेंट कर देना है यहाँ। तो सबसे पहले मैं देखो A क्रॉस B अगर निकालता हूँ यहाँ पर, A क्रॉस B, तो सबसे पहले मैं यहाँ I लिखता हूँ, I, J और K। फिर I की कोफिशियंट 2 है, 1 है और ये -1 है। ठीक है, ये -1 है। फिर बी का लिखता हूँ तो ये है 1 1 1, और मैं आई को यहाँ कॉपी कर देता हूँ 2 और 1। फिर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ बड़ा ब्रैकेट बनाता हूँ, आई लिखता हूँ और यहाँ जे लिखता हूँ, फिर यहाँ मैं के लिखता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं अब इनका मल्टीप्लाई करूँ, तो सबसे पहले जो वैल्यू यहाँ दी हुई है, आई आई का लिख रहा हूँ, तो आई का ये वाला रो और कॉलम भूल जाऊँगा, जो जिसका भी लिखूँगा। तो ये बचा और इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये बचा और इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 यहाँ 1 आ जाएगा, और ये -1 फार्मूले से ये +1 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से। और जे जे बचा, तो जे का रो और कॉलम भूल गए, तो इसका इसमें से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से -1 आ जाएगा, और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा। फिर के बचा, के का इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 1 आएगा। ठीक है, तो फाइनली आ जाएगा 2i कैप और -2 -3j कैप और यहाँ +k कैप। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लोगे ए क्रॉस बी, ये तो वेक्टर है ना, हमें मॉड चाहिए, ए क्रॉस बी मॉड लोगे तो यहाँ से 4 + 9 + 1 अंडर रूट। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 14 अंडर रूट। ठीक है, तो अगर 14 अंडर रूट, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2 √14 इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, मतलब अपना फोर्थ ऑप्शन सही है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।